मैं निकला ओ गजी लेके ओ रस्ते पे ओ सड़क पे एक शो आया मैं बेटा उठ छोड़ आया। दोस्तों हम में जब बचपन से ही किसी चीज का पैशन या कुछ करने का जज्बा होता है तो लाइफ में चाहे जितनी भी हार्ड सिचुएशंस क्यों ना आए हम अपने गोल्स को अचीव कर ही लेते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में हम एक ऐसी ही पर्सनैलिटी और इंडियन टेलीविजन पर एक जबरदस्त कॉमेडियन के तौर पर तेजी से उभर रहे कॉमेडी स्टार गौरव दुबे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसू और आप देख रहे हैं बॉलीविजन यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए इंडियन गेम्स, सिनेमा और सोशल मीडिया स्टार से रिलेटेड वीडियोस लाते ही रहते हैं। वेल गाइस, कलर्स टीवी के पॉपुलर कॉमेडी गेमिंग शो खतरा 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 में अपनी जबरदस्त कॉमेडी से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले गौरव दुबे की लाइफ स्टोरी और ड्रीम सिटी मुंबई तक का सफर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और रोमांचक है, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर ही अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए मुंबई भाग आए थे। तो दोस्तों जानेंगे इस टैलेंटेड कॉमेडियन से रिलेटेड ढेर सारी अमेजिंग डिटेल्स और फनी बातें, इसलिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक। हम आज से तीन शब्द कहना चाहते हैं, अपना काम करो। आपको पता है आपका स्लो मोशन और मेरे मरीज का लूज मोशन बंदे नहीं होता। अरे ये तो वही है ना बेटी। नहीं नहीं, वो तो सूरज था। तो फिर ये वो खेतों वाला? नहीं नहीं बाउची, वो तो राहुल था। अरे कमीने, मेरी बेटी पूरे गांव का नाम ले लेगी, अपना नाम बताओ। दोस्तों यूपी के इलाहाबाद के रहने वाले गौरव दुबे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां हर एक पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई सिविल सर्वेंट बने, और गौरव के पेरेंट्स भी उनसे यही उम्मीद रखे हुए थे। हालांकि बचपन से ही टीवी में कॉमेडियंस को लोगों को हंसाता देखकर गौरव ने शुरुआत से ही मन एक कॉमेडियन बनने का सोच लिया था। ये चाइल्डहुड से ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने रिलेटिव्स और टीचर्स की हूबहू कॉपी और मिमिक्री कर लेते थे। साथ ही गौरव अपने स्कूल में होने वाले फंक्शंस में कॉमेडी प्रोग्राम्स कर लोगों का एंटरटेनमेंट किया करते थे। लेकिन जब इन्होंने अपने इस पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिट मांगी तो इनके पेरेंट्स इस बात के लिए एग्री नहीं हुए। लेकिन इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इन पर कभी इनके माता या पिता ने कोई बंदिश या पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन वो इनके कॉमेडियन या एक्टर बनने के फैसले से ज्यादा खुश नहीं थे। हालांकि गौरव को तो अपना सपना पूरा करना था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए कॉमेडी शोज में राइटर का काम करने वाले एक शख्स से संपर्क किया, और फिर गौरव निकल पड़े फिल्म सिटी मुंबई की ओर अपने पेरेंट्स की बगैर मर्जी के अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। लेकिन इनके लिए अब आगे का सफर आसान नहीं था, क्योंकि ये जिस शख्स से मिलने गए थे वो इनको काफी इंतजार करने के बाद भी नहीं मिला, और ये वापस फिर अपने घर लौटकर नहीं जाना चाहते थे। हालांकि कुछ दिनों बाद इनको एक राइटर के असिस्टेंट का वर्क मिल गया, और कुछ समय बाद ये खुद भी कॉमेडी शोज और सीरियल्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करने लगे। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग से इनको कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी, और इनका अपने आप को टीवी पर देखने का सपना भी अधूरा ही था। फिर एक दिन इन्होंने अपने शो के डायरेक्टर से खुद की कास्टिंग करने को कहा, जिसके बाद इनको इस शो में एक छोटा सा रोल दे दिया गया, और अपनी पहली ही परफॉर्मेंस से इस टैलेंटेड बंदे ने सबको काफी ज्यादा प्रभावित कर दिया, और फिर धीरे धीरे कॉमेडी शोज में इनको छोटे मोटे रोल्स करने का मौका मिलने लगा। लेकिन भले ही गौरव के प्ले किए हुए इन किरदारों की अपीयरेंस बहुत कम समय के लिए होती थी, फिर भी ये कम टाइम पीरियड में भी अपनी जबरदस्त मिमिक्री और कॉमेडी से लोगों का काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने लगे, और इनकी किस्मत शो में किए हुए अंग्रेज के रोल ने चमकाई, जिसके बाद ये तमाम बड़े बड़े कॉमेडी शोज में कृष्णा भारती, सुदेश जैसे बड़े बड़े कॉमेडियंस के साथ नजर आने लगे, जिनके जैसी कॉमेडी करने कभी ये सपना देखा करते थे। आज अपने उन्हीं चहेते स्टार्स के साथ खड़े होकर अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों का एंटरटेनमेंट करना गौरव के लिए किसी बड़े सपने के पूरे होने जैसा ही था। फिलहाल आज गौरव दुबे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गौरव आज हिंदी टेलीविजन के तमाम पॉपुलर कॉमेडी शोज जैसे कॉमेडी सर्कस, खतरा 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 और कॉमेडी नाइट्स लाइव में अपनी जबरदस्त कॉमेडी का लोहा मनवा चुके हैं, और प्रेजेंट टाइम में ये गुड नाइट इंडिया जैसे पॉपुलर टीवी शो में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा गौरव दुबे की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये देश के सुपरहिट कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नए सीजन में अपना जलवा दिखाने जा रहे हैं, और इनके फैंस भी अपने फेवरेट कॉमेडियन की परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं।
गौरव मेल हो या फीमेल हर किरदार में फिट आते हैं। किसी सेलिब्रिटी की मिमिक्री या कॉपी करना हो या फिर खत्री जैसे किसी स्पेशल किरदार का रोल प्ले करना हो, ये सब अब गौरव के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है। वेल फ्रेंड्स, हम भी गौरव दुबे को कपिल शर्मा शो के नए सीजन में देखने के लिए काफी ज्यादा ईगर और एक्साइटेड है, और शायद आप भी। सो फ्रेंड्स, होप कि आपको इस सुपर टैलेंटेड कॉमेडियन गौरव दुबे की ये स्ट्रगल स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। गौरव की कॉमेडी आपको कैसी लगती है और इनके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। ऐसे ही और ज्यादा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक यूनिक पर्सनैलिटी से रिलेटेड ढेर सारी अमेजिंग डिटेल्स के साथ।